हेलो, एज़ यूज़ुअल मेरा नाम है शालू एंड आज का जो वीडियो है कोई भी फैशन कंटेंट नहीं होने वाला है। अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो। बट आप देख रहे हो कि मैं घर में जैसी थी वैसे ही कपड़े पहन के, सॉरी आज अगर मैं थोड़ी इमोशनल हो जाऊँ क्योंकि इतने टाइम से मैंने अपना इमोशन सब कुछ अपने अंदर रख के बस काम किया है। अगर आप मेरी अभी वीडियोज़ देखोगे लाइक 600 के, आई एम रियली सॉरी। अगर आप सुनना चाहते हो आप सुन सकते हो, नहीं सुनना चाहते हो आप स्किप कर सकते हो। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, हो सकता है बहुतों को ये लगे कि मैं व्यूज़ के लिए कर रही हूँ, बट कभी भी ये मेरा इंटेंशन नहीं रहा है कि मैं कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएट करूँ जिससे जो सिर्फ लाइक अननेसेसरी कंटेंट लाइक क्रिएट करूँ जो सिर्फ व्यूज़ के लिए हो। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा था, एक सपना आँखों में लिए थे कि मैं यूट्यूब पे ग्रो करूँगी एंड उसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की है, लिटरली बहुत मेहनत की है। मुझे नहीं पता कि आपने मेरे चैनल पे एक चीज़ नोटिस करी कि नहीं करी, दैट इतने दिनों से मेरे सब्सक्राइबर जो थे वो हाइड थे। मैंने अपने सब्सक्राइबर को लाइक जो भी मेरी फैमिली है वो ऐसे में बहुत रोत लूँगी यार। सो मैंने अपने सब्सक्राइबर को हाइड करके रखा था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मीन्स जब मैं एक वोट से मैं थोड़ा सा भी कुछ हासिल कर लूँ यूट्यूब पे तब मैं अपने सब्सक्राइबर काउंट, एंड ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत बड़ा टारगेट था, बट ट्रस्ट मी अगर आप मुझसे पूछोगे ना ये मेरे लिए बहुत बड़ा टारगेट था क्योंकि मुझे पता है कि हमेशा मैंने कितनी मेहनत की इस टारगेट को अचीव करने के लिए। किसी के लिए बहुत छोटी बात होगी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड ये अभी जब पूरा हुआ ना, मैं चाहती तो सज धज के मेकअप करके आप लोगों को हंस के थैंक यू बोल सकती थी, बट ये जो इमोशन अभी आप लोगों के सामने निकल रहे हैं शायद ये ऐसे नहीं रहते। तो अभी जो मैं जैसा भी फील कर रही थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो सबसे पहले हर एक फैमिली मेंबर का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ये 10,000 आर्म्स है मेरे लिए जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा है, आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैंने बहुत स्ट्रगल करा इस दिन को देखने के लिए, सो बट मैं आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में मुझे इतना स्ट्रगल ना करना पड़े, क्योंकि 2019 में मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा था तो उस समय मुझसे एक गलती हो गई कि काफ़ी टाइम तक मैं अपने निज को ही नहीं पहचान पाई कि लोग मेरे लाइक ब्यूटी रेमेडीज से ज़्यादा मेरे फैशन कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। अगर उस वक्त शायद मुझे ये पता होता तो मैं उस तरह के कंटेंट ज़्यादा लेके आती, बट नो डाउट मैंने जितना भी करा जो भी सीखा है खुद से सीखा है। जब मैंने अपना फर्स्ट वीडियो शूट करा था, आप बिलीव नहीं करोगे, एक ऐसी लड़की जिसे टेक्नोलॉजी से कोई प्यार नहीं था, जिसे लाइक लैपटॉप कैमरा वगैरह जिसे कोई लेना देना नहीं था, बट जब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट चैनल स्टार्ट करने का सोचा, मैंने हर एक वो चीज़ सीखी। एक वीडियो को एडिट करने में मुझे 5-5 दिन लग जाते थे, मुझे समझ में नहीं आता था कि लाइक एडिटिंग कैसे होगी, एंड मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं पूछ पाऊँ कि ये कैसे होगा या वो कैसे होगा, बट मैंने हार नहीं मानी, मैं लगी रही। मुझे था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, लाइक मुझे मेरी खुद की पहचान चाहिए। यस, ऐसा नहीं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, हर एक इंसान मेहनत करता है पैसों के लिए, बट उससे भी कहीं ज़्यादा है कि मुझे लाइक अपनी पहचान चाहिए। अगर मैं पैसों की बात करूँ ना तो अभी तक जब से मैंने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया है बस 2 बार मेरी पेमेंट आई है, तो आप खुद सोच सकते हो कि यूट्यूब की जो एडसेंस है वो कितनी है, क्योंकि मेरे व्यूज़ अभी उतने नहीं आते टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, लिटरली इस दिन को देखने के लिए मैंने सच में बहुत मेहनत की है। हर वक्त मैं सोते वक्त भी मेरे दिमाग में ये चलता था कि मैं क्या अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूँ, नहीं क्या अच्छा लगेगा क्या अच्छा नहीं लगेगा। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है, बट कभी कभी मेरे माइंड में ऐसी एक आप थोड़े से डिप्रेस हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि इतना इतनी मेहनत है उसके बाद में पता नहीं ये वीडियो हिट होगी, बट अब मैंने वो सोच ही अपने मन से निकाल दी है कि ये वीडियो चलेगी कि ये वीडियो नहीं चलेगी, बस मैं अपना काम कर रही हूँ। एंड मुझे पूरा भरोसा है कि लाइक बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि दी आपने चैनल क्यों स्टार्ट करा, उसके पीछे की क्या रीज़न है या आपकी सोच क्या थी। सी बचपन से ही मैंने अपने मीन्स
चाहे वो मेरी स्टडीज़ हो या फिर कोई और भी चीज़ हो, हर एक चीज़ को पाने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल करा है, खास करके मेरी स्टडीज़। मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं बहुत जीनियस स्टूडेंट थी, लेकिन मैं स्टडीज़ में बहुत अच्छी थी, बट फिनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं अपने स्टडीज़ को मीन्स आगे लेके नहीं जा पाई। सो हर एक चीज़ को पाने के लिए मैंने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क करा है, बहुत। बट मैं बिलीव करती हूँ कि भगवान भी उसी से परीक्षा लेता है, या उड़ने के लिए पंख भी उसी को देता है जो उसके काबिल होता है। तो आज अगर मीन्स ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, तो शायद मैं उस परीक्षा को देने में काबिल हूँ, इसलिए वो मेरी परीक्षा ले रहा है। वाइफ बींग अ मदर ऑफ टू किड्स, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं जॉब कर पाऊँ बाहर जाके, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरे हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हो। बट एक मेरे अंदर एक जज्बा था कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि जब मैंने अपने सेकेंड बेबी को डिलीवर किया, जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, आप बिलीव नहीं करोगे, 7 मंथ 8 मंथ के बाद ही मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। लेकिन क्या करना है ये मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे शुरू से ही, मैं ना टीवी देखना पसंद करती हूँ, लाइक मुझे टीवी देखना उतना पसंद नहीं है, तो मैं हमेशा सोचा करती थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने धीरे धीरे यूट्यूब देखना स्टार्ट किया, क्योंकि सिलाई का मुझे शौक है, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो पता होगा। तो एक दिन मैं किसी की ब्यूटी रेमेडीज़ देख रही थी, एंड मुझे उसको देख के ऐसा लगा मैं भी कर सकती हूँ, मुझसे भी हो जाएगा, बट कैसे होगा। बस एक सोच मेरे अंदर आई, एंड ये जब मैंने सोचा कि मुझे यूट्यूब करना है, सबसे पहले मैंने अपनी लाइक बहन से ये बात शेयर की, शिल्पा से। शी इज़ माई मीन्स ऐसे मेरी दोनों ही बहनें बहुत अच्छी है, लाइक बट शिल्पा से लाइक ऐसा ऐसी कोई भी बात नहीं होती है कि हम लोग आपस में डिस्कस नहीं करते हैं या एक दूसरे से श्योर नहीं करते हैं, बट मेरे अंदर एक डर था कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, लोगों का नहीं, बट हाँ मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। बट सी सेड कि नहीं दीदी, आप तुम करो, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ट्राई तो करो। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला, पवन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था कि उन्होंने बोला कि तुमको नहीं करना है, बट उन्होंने बोला कि क्या है नहीं है तुमको पता है, तुम पता कर लो। मैंने बोला कि जो भी है। तो मेरा फ़ोन मेरे बेटे ने लाइक ज़मीन पे गिरा दिया था, और वो फ़ोन का कैमरा बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो उसके लाइक 2-3 मंथ्स के बाद पवन ने मुझे एक फ़ोन ला के दिया, उससे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। लाइक बस बहुत आप लोगों को रुला दिया, उसके लिए सॉरी, बट ट्रस्ट मी गाइस, ये मैं क्या बोलूँ, ये सिर्फ खुशी के आंसू है, एंड इसके पीछे का जो स्ट्रगल है ना, मुझे सब कुछ रिमाइंड हो रहा है। तो बस इसी नोट पे मैं आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को आप मुझसे कनेक्टेड फील करते हो मेरी वीडियोस देखने के बाद, आपको ऐसा लगता है कि ये बंदी बहुत मेहनत कर रही है, इसे सपोर्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, दिल से उनका थैंक यू। एंड सॉरी आज मैं अपने इमोशंस को लाइक कंट्रोल नहीं कर पाई, अगर किसी को भी देख के अच्छा ना लगा हो, सो आई एम रियली सॉरी। बट ये सी मैं बहुत पर बोली टाइप की हूँ, जो भी मुझे फॉलो करते हैं, मेरा ये मानना है कि चाहे खुशी हो चाहे गम हो, ज़्यादा दिन तक अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, उसे निकाल देना चाहिए, आपका मन हल्का हो जाता है। सो थैंक यू सो मच।